8 मार्च को हमने परमिशन लेके अपनी इलेक्शन की रैली शुरू की, जमान पाक से शुरू करनी थी। जरा ये अब गौर से सुने, हुआ क्या? पुलिस हमें परमिशन देती है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर 30 अप्रैल को पंजाब का इलेक्शन अनाउंस होता है, हम अपने इलेक्शन की रैली का आगाज करते हैं। सुबह को एकदम मुझे खबरें आती हैं कि जनाब पुलिस टेयर गैस शेल लेके तैयारी करके वो सारी जगह उन्होंने नाके लगा दिए। हमें परमिशन मिली हुई थी, इलेक्शन अनाउंस हो गया है। उसके बाद खबरें आती हैं कि जी वो पुलिस ने जिधर जिधर रैली जा रही थी उनके ऊपर अटैक कर दिया, टेयर गैस कर दी, लाठीचार्ज कर दिया। मुझे समझना है कि ये हुआ क्या है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे घर में खबरें आई, मैं समझ गया इश्तियाल डालना इश्तियाल कर हमारे लोगों को उसमें डालना चाहते थे। मैंने रैली खत्म कर दी, मुझे डर था कि ये तसादम चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन नहीं चाहते। जो इलेक्शन चाहता है वो तसादम, वो फसाद तो नहीं चाहेगा। इलेक्शन जो नहीं चाहते, जो डरे हुए हैं, जो भाग रहे हैं, वो उनकी कोशिश थी कि किसी तरह फसाद हो और इलेक्शन आगे चले। मैं कैंसिल कर देता हूं, अगले दिन फिर अनाउंस करते हैं, फिर इजाजत नहीं देते, फिर कैंसिल कर देते हैं। लेकिन जो वो 8 मार्च को हुआ, मैं ये चाहता हूं कि जरा ये आप वीडियो देखें कि एक पुरमन रैली जिसकी इजाजत है उसे हुआ क्या, ये जरा देखें पहले। इन्होंने कुछ भी लाया पर गाड़ी तोड़ी है, मेरे कपड़े फाड़े हैं।